वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हजरत? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखें भाई, ये पूरा ग्रुप जो है ना हमारे पीछे पीछे ही आया था हॉल के अंदर एंट्री मार। पूरी आवाम जो है ना मसरूफ है खाने के अंदर। भाई हम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आ रहे मतलब डिलीवरी सर्विस। वाह यार भाई, स्पेशल आ रहा है। क्या बात। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको, जो यहाँ के मेन्यू में नहीं ना वो भी आ गया हमारे खाने से, बराबर वाले बैंकवेट से भी आ गया। ये जो धुआं उठ रहा है भाईजान बैंकवेट में से, ठीक है, क्या होगा आज मेन्यू में ये बताओ? टिक्का, बारबेक्यू, फिश होगी या नहीं होगी ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई काफी दिन बाद आप लोग देख रहे होंगे, दोबारा मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में बैठ के और कराची की सड़कों पे घूमते हुए। तो आज के दिन का सीन क्या है? आज के दिन का सीन ये कि हमें एक शादी में जाना है, शादी की दावत आई है। इतने दिनों से मैं सोच रहा था, बल्कि अब्दुल बासित से भी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि भाई जान इतने टाइम हो गया हमने कोई शादी अटेंड नहीं की, तो आज दावत भी आ गई है। और आज से हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोगों को लेके भी जाएंगे। तो आप लोगों की दावत होती है तो पता है ना कुछ खाना पीना नहीं होता भाई जान, एक साथ जाके दावत में ही निपटाएंगे, ठीक है। तो दावत में भी चलेंगे, मीन वाइल जो है वो आपको पता है कि जैसे ही हम सफर से वापस आते हैं तो हमारे काम जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी काम से जा रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों को लेके चलते हैं। दिन स्टार्ट करें और आ जाए। जब सर्दी की आमद आमद होती है ना तो इस तरह यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह जो है ना, रजाएं वगैरह बिकना स्टार्ट हो जाती है। कराची में आप जितने भी राउंड अबाउट देखेंगे ना, सबके कॉर्नर पे आपको यही सारी चीजें नजर आएंगी। ये देखें भाई, अभी मैं गाड़ी में खड़ा हुआ था, बराबर में गाड़ी आके रुकी। और ये कैसे हो आप? ठीक हो? आप व्लॉग्स देखते हो? जबरदस्त। क्या नाम है आपका? रामिस। रामिस नाम है, स्कूल से आ रहे हो अभी आप? वाह भाई, और आपका नाम क्या है? रयान। माशाल्लाह। रोहान। माशाल्लाह। और सब ठीक हो आप लोग? चलो चलें भाई, अब इम्पोर्टेंट काम ये था कि ये मेरी गाड़ी में इस वक्त ये देखें, ये बच्ची बैठी हुई, मासूम बच्ची बैठी हुई है। इसका जो है ना कॉकलियर इम्प्लांट पहले हुआ था, ठीक है, और वो इम्प्लांट सही नहीं हो सका था, कहीं और से कराया था इन्होंने। फिर इनके पेरेंट्स जो है वो आगा खान से करवाना चाहते थे। आगा खान ने 31,25,000 रुपये का एस्टिमेट दिया, लेकिन इन्होंने अपने जब हालात बताए कि 15,000 रुपये तनख्वाह है और एक मदरसे में मुदरस हैं इस बच्ची के वालिद साहब, तो उन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट किया। मतलब 31,25,000 रुपये से लेकर सीधा 6.5 लाख रुपये के ऊपर एस्टिमेट आ गया। ये देखें, ये उन्होंने कट कर दिया, 6.5 लाख रुपए हो गया, ठीक है। और अब जो है वो इनके पास 2,20,000 रुपए अरेंज हो गए थे, बकाया बाकी थे 4,30,000 रुपए। ये देखें, 4,30,000 रुपए का हमने पे ऑर्डर बनवा दिया आगा खान हॉस्पिटल के नाम का। अभी जो है ये हमारे अदनान भाई जा रहे हैं। अदनान भाई कैसे हैं आप? ठीक है? अदनान भाई जा रहे हैं ये पे ऑर्डर जमा कराने के लिए इनके साथ हॉस्पिटल में, और ये बच्ची की इंशाल्लाह अगले हफ्ते को जो है ना सर्जरी, अल्लाह पाक शिफा दे बच्ची को। आप लोग भी जो है ना खुसूसी दुआ कीजिएगा बच्ची के लिए, अल्लाह पाक जितने भी लोग आजमाइश में हैं, बीमारियों में, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी का मामला करे। अब जो है वो घर पे जा रहे हैं और जरा देखते हैं कि आज रात को शादी में क्या कपड़े पहनने। भाई भाई घर पे आते के साथ ही जो है ना मैंने एक सीन देखा, आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग तरीकेकार होते हैं बच्चों को मनाने के और खाना खिलाने के। किसी कोई बच्चा किसी तरीके से मानता है, कोई बच्चा किसी तरीके से मानता है। मोहम्मद अहमद जो है ना अभी खास तरीके से बैठ के दूध पी रहा है, वैसे दूध नहीं पी रहा था। वो किस तरीके से पी रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मेरे जो है ना लगेज वाले बैग के अंदर बैठा हुआ है और इसके बाद दूध पी रहा है, वरना तो ये मान ही नहीं रहा था दूध पीने के लिए। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई जगह नहीं मिली बेटा आपको? आपकी कम है माशाल्लाह, उम्र आपकी। आपका भाई शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, यही शलवार कमीज मेरे पास अच्छा था तो मैंने बोला कि यही पहन लेते हैं, ठीक है। बालों की भी हल्की पुल्की सेटिंग करा ली थी मैंने। बेगम कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ। कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे लोग, दूल्हा जल्दी कैसे आ गया? वैसे मुझे अपना निकाह का टाइम भी याद आ गया कि यार मैं सफ़ेद शलवार कमीज पहन के असर की नमाज के बाद मेरा निकाह था और मैं गया था, और फिर तुम्हारे साथ जो है वो, फिर उसी दिन जो है वो तुम्हें ले आया था मैं आप अपने घर पर। चलें भाई चलते हैं, दोस्त वगैरह इंतजार करें। 9 बज गए। ब्लू शलवार कमीज के ऊपर पेशावरी चप्पल मैंने पहन ली है, ठीक है बेगम मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। ऐसी बातें नहीं किया करो, दिल में लड्डू फूटने लगे। जब जाऊँगा तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, वैसे भी तुम्हारी तरफ से इजाजत है मुझे, है ना, वो तो तुमने दी हुई है। चलो ओके, आ गए आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आज पार्टी बोल शलवार कमीज में है भाई, सब शलवार कमीज पहन के आ रहे हैं। क्या हाल है भाई जान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा यूसुफ भाई भी आए माशाल्लाह। क्योंकि ये बच्चे को तो एक ही दिन मिलता है ना, तो इसने बोला आज पैंट शर्ट पहन लेते हैं। अच्छा लकी है भाई। चले अब अब्दुल बासित भाई भी आ रहे हैं, उनको लेने के लिए चलते हैं भाई, ठीक है। वो देखें रात की तारीखियों के अंदर जो है ना एक बंदा सामने से चलता हुआ आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोबाइल बचा के आ रहा है, मोबाइल ना चला जाए। भाई हम सबको पहले से बता था कि दावत में जाना है, तो हमने सबने नियत की हुई थी कि जो है ना इंशाल्लाह सही से आज के दिन का वहीं पे जाके खाएंगे। ऐसे ही भाईजान जगह रखी है ना पेट में जी, अब रात का ही खाना खाता हूँ और अभी खाया। वाह भाई वाह। और लेकिन आवाज आज फुल भारी हो रही, गला खराब हो गया आमिर भाई का, 2 कोल्ड ड्रिंक एक्स्ट्रा पीना, सही है ना? सब सही हो जाएगा जी। अब्दुल वाजिद क्या सिचुएशन है यार? बस ऑफिस से आके खाना तो नहीं खाया ना? नहीं बिल्कुल ही नहीं खाया। हाँ
ये टाइम हो गया है इस वक्त 10:09 हो रहे हैं। आसिफ भाई कहीं वो वाला सीन मिस ना हो जाए जब वो जाए ना खाने पे से वो ढक्कन उठता है ना आए, आए, जो और जो लोग टूटते हैं ना वो सीन कहीं मिस ना हो जाए। हम थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन कोशिश करें जल्दी पहुंच जाए। चले भाई अब जो है ना हम यहाँ पे शादी में पहुंच गए यार। मुझे तो लग रहा है सब खाना खा के जा रहे हैं। अभी तो एंट्री है। हाँ नहीं नहीं लोग आ रहे हैं यार, लोग आ रहे हैं भाई। हम तो बोल के जल्दी आ गए मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे तो गाड़ियां भी कम है। चले हम थोड़ा सा जाना जब तक माहौल देखेंगे, फील करेंगे, इमेजिन करेंगे आज खाने में क्या क्या है। ठीक है तस्वीर तो आप खींचे, पेट थोड़ा सा और अंदर करें, सांस थोड़ी सी और रोके। हाँ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है जी। थोड़ा सा और अंदर करो, थोड़ा सा और नजर, शेड पड़ रहा है। ये जो धुआं उठ रहा है भाईजान बैंक्वेट में से, ठीक है क्या होगा आज मेन्यू में ये बताओ। टिक्का बारबेक्यू फिश होगी या नहीं होगी ये बताओ। फिश होगी, फिश होगी। वैसे मौसम अब चेंज होने लगा है तो फिश तो बनती है यार। ड्रमस्टिक भी होंगे, ड्रमस्टिक भी होंगे। अच्छा तुमने पहले लीक तो नहीं करा दिया पर्चा? नहीं नहीं मुझे क्या पता। अच्छा चेक करें ये देखें हम लोग आके बैठ गए। मैंने सोचा जो है ना हम थोड़ा सा कोने में आके बैठते हैं ताकि सुकून से आराम से बंदा अपना एंजॉय कर सके, क्योंकि हम लोग तो जो है ना थोड़ा सा काफी टाइम बाद आए ना। हाँ मैं जो है ना थोड़ा सा साइड में से अंदर आया। मैंने बोला रश वश लगे ना तो थोड़ा मजा नहीं आता, सुकून से आए बंदा आराम से अपना कोने में बैठे तो मजा आता। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर जी? खैरियत से ठीक ठाक? वाह माशाल्लाह ये पूरा ग्रुप वेट कर रहा था। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। कैसे हैं भाई? ठीक हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हज़रत? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें भाई ये पूरा ग्रुप जो है ना हमारे पीछे पीछे ही आया था हॉल के अंदर एंट्री मारी थी। और सब खैरियत है, ठीक ठाक है, चलें ज़बरदस्त। खाना जो है ना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। पूरी आवाम जो है ना मसरूफ़ है खाने के अंदर। भाई हम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आ रहे मतलब डिलीवरी सर्विस। वाह वाह यार भाई स्पेशल आ रहा है, क्या बात क्या बात। थैंक यू सो मच भाई, जजाकल्ला। आपको तकलीफ हुई इसके लिए माजरत, माशाल्लाह। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको, जो यहाँ के मेन्यू में नहीं ना वो भी आ गया हमारे खाने से, बराबर वाले बैंकवेट से भी आ गया। बिरयानी आ गई भाई, वो फिश है मेरे क्या था, ये फिंगर फिश है, ठीक है। और ये कौरमा होगा लाजमी सी बात है, मोरक्कन कबाब है ज़बरदस्त वो भाई, मोरक्कन कबाब है करीब कर लेते। सबसे पहले जो है ना ये बड़ा जो है ना मजेदार लग रहा है देखने से, इसकी जो खूबसूरती है चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्या है? अरबी पराठा है। चलें जो भी पराठा है बिस्मिल्लाह करते हैं। और क्या मजेदार है, ये ले गया फुली लोडेड है, ये ले गया थोड़ी सीख मोरक्कन कबाब ले गए। मोरक्कन कबाब अब चखते हैं भाईजान, अब्दुल बासित भाई ने रेकमेंड कर दिया है, ये चेक करें। अच्छा एंजॉय करें, जजाकल्ला। ये वाकई बड़ी मजेदार है, डिफरेंट है। मुझे नहीं पता मोरक्को में खाना इतना स्पाइसी होता होगा नहीं होता होगा, लेकिन ये बिल्कुल कराची के हिसाब से इन्होंने ऑल्टर कर दिया है इसको। बहुत मजेदार स्पाइसी कबाब है भाई। सर्दियों में जो है ना फिश और गाजर का हलवा जो है ना आप समझ लें कि हमारे यहाँ की दावतों के अंदर जो है ना मैंडेटरी पार्ट हो जाता है, तो गाजर का हलवा भी आ चुका है और अब जो है ना हम ये फिश ट्राई कर रहे हैं। ये रिपोर्ट फिश भी मजेदार है जी। आमिर भाई क्या अच्छा लगा अभी तक आपको? अच्छा अभी तक आप कबाब पे ही हैं माशाल्लाह। जी भाई पिज़्ज़ा पराठा तुम्हारे लिए जिंगर भी मंगवाया हमने, बर्गर। भाई अब जो है ना बिरयानी की बारी है, चिकन है बिरयानी, चिकन चिकन बीफ बिरयानी आलू वाली और थोड़ी स्पाइसी लग रही है। ये चेक करें भाई बीफ बिरयानी अब जो है ना प्लेट में आ रही है। बीफ बिरयानी के अंदर अगर निकला है साफ बोटी, ओए हाय हाय चेक करें आप, ये साफ बोटी आ गई है और ये आ गई भाई निवाला, और ये आ गया निवाला। भाई बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, बहुत ही लजीज बिरयानी, बेहतरीन हो गया। अब हम ज़रा सुकून से जो है ना खाना खाते हैं, ठीक है। अब भैया आज के मेन्यू का आखिरी आइटम गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही मज़े की चीज़ होती है। ये देखें ये इस दफ़ा इस वेदर जो चेंज हो रहा है सर्दियों का पहला हलवा आज मैं खा रहा हूँ गाजर का। पिक्चर खींच लूँ? हाँ अच्छा दो तो क्या लग रहा है? ये रो सही है, ठीक है इधर देखो यार
सही है ये लो ठीक है ओके अल्लाह बच्चा कहता कोई अल्लाह भाई ये जो है ना सेल्फी ले रहे हैं ये सेल्फी की कलेक्शन कर रहा है बच्चा हैं एक सेल्फी के 10 रुपए ये ना खाना वाना हमने खा लिया अभी पिक्चर्स का सिलसिला चल रहा है ठीक है कुछ कह रहे हैं भाई आए अभी कुछ कह रहे हैं जी भाई क्या कह रहे हैं इनकी शादी का 5 साल हो गए भाई इनकी शादी हुए आपको क्या हो गया हम बताते नहीं है वीडियो में तो अलग बात है तो कुछ चीजें छुपा के रखे ना यार बताने का थोड़ी होता है चले भाई अब जो है ना हम बाहर आ गए आखिरी में तो जो है ना बच्चों ने ऐसा पकड़ा था मैंने बोला भाई इधर से निकलो फिर हम लोग निकल गए अब हम लोग जो है ना घर जा रहे हैं चले भाई अब जो है ना हम लोग सक्सेसफुली भागने में जो है ना कामयाब हो गए आखिरी में जो है ना बच्चों ने बड़ा हमला किया था लेकिन ओवरऑल जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा सही है और काफी टाइम बाद हमने जो है ना कोई शादी अटेंड की हमारा पता है क्या सिलसिला होता है हमारा ये होता है कि कभी आमिर के पास कोई दावत होती है ना तो हम लोग सब साथ जाते हैं कभी मेरे पास कोई दावत होती है तो भी हम लोग सब साथ जाते हैं लेकिन हम लोग जाते सब साथ हैं क्योंकि इंजॉय करते हैं यार यही तो इंजॉयमेंट है तो भाईजान कैसा था खाना वाना सब जबरदस्त और प्लस जो है वो लोगों की मोहब्बत लोगों का प्यार जो है वो अपनी जगह है भाई बच्चों का भी ये सारा प्यार होता है ये सारे बच्चे जो है वो देखते थे व्लॉग यार सबसे बड़ी बात ये है भाई रात का 1 बज गया है अभी जस्ट सब दोस्तों को छोड़ के मैं अभी घर पे एंटर हुआ हूँ तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी कल के व्लॉग मिलते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई के चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें और ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं ना कि मेरे किचन के अंदर जो एडवेंचर वाला मैं वहां से लेके आया हूं यूके से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वरना रात को ये वाली लाइट जला के आऊंगा आप लोगों का सही है भाई ओके हाफिज़।